हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू एलपीसीए क्लासेस बाय सीए राजेश खन्ना। टुडे आई विल डू टू क्वेश्चंस विद यू व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दे हैव कम मेनी टाइम्स इन द एग्जाम, नॉट ओनली इन बीकॉम, नॉट ओनली इन सीए, एमबीए, इन मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नॉट कॉम्पिटेटिव, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल एग्जाम्स where the exam happens, these kind of question comes. Now, before I start the question again, आज वापस हम थोड़ी सी शेरो शायरी के मूड में। सर बहुत पकाते हो, सॉरी यार क्या करो, रुलाता तो नहीं हूं ना, पकाता ही हूं ना यार, रुलाता थोड़ी हूं। सो टूडेज क्लास स्टार्ट विद अ कोट विच सेज, बी द रीजन समवन फील वेलकम, सीन, हर्ड, वैल्यूड, लव्ड एंड सपोर्टेड। सो माइंड माय वर्ड्स, be the reason for someone to feel happy about, not the reason to feel sad about. तो किसी की खुशी बनो, गम मत बनो मेरे यारो। चलते हैं आगे, फिलहाल आगे चलते हैं। आज की क्लास में इतनी शेरो शायरी बहुत है, अब जरा आगे चलते हैं, काम की बातें कर लेते हैं। नाउ पिछली क्लास में मैं आपके साथ क्वेश्चन और उसका वीडियो का लास्ट स्क्रीनशॉट शेयर करना भूल गया था, तो कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हुई है और आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 16 और 17 किया था, तो आप चाहें तो उसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। क्वेश्चन 16 एंड 17 हमने ये दो क्वेश्चन किए थे, हम उसके आपके साथ आंसर भी शेयर कर देते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 16 जो हमने आपके साथ किया, क्वेश्चन 17 जो हमने आपके साथ लास्ट क्लास में किया, सो दैट यू आर नॉट फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड दिस इज द आंसर। नाउ विल कंटिन्यू एंड विल स्टार्ट टू मोर क्वेश्चंस टुडे सो दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 19, हम पहले कर चुके थे, आज हम करेंगे आईपीएल 2020। क्वेश्चन 20। नाउ क्वेश्चन 20 सेज अ गैंग, गुर्गे लोग, अ गैंग ऑफ वर्कर यूजली कंसिस्ट ऑफ 10 मेन, 5 वुमेन एंड 5 बॉयज। देखो इस बार स्टैंडर्ड में भी, इस बार स्टैंडर्ड में भी उन्होंने आपको ग्रेड ऑफ लेबर बता दिया, मेन, वुमेन एंड बॉयज, एंड दे आर हाउ मच इन नंबर्स, 10, 5 एंड 5, 10, 5 एंड 5। दे आर पेड एट द आर्ली रेट ऑफ 1 रुपी 25 पैसा, 80 पैसा एंड 70 पैसा। In a normal working week of 40 hours, it means every laborer will work for 40 hours. It means the standard time as per grade of labor is 400, 200 and 200. And the total of it, mitro, is called standard mix. Done. They are expected to produce a standard output of 1000 units. Okay. If I get the actual output, that my job of calculating ST hash is done. Now the question says, in actually a certain week, the gang actually consisted of 13 men, 4 women and 3 boys. 13 men, 4 women and 3 boys. And they were paid at the rate of 1 rupees 25 paisa, 85 paisa and 65 paisa. आप कहते हो तो रेट लिख देता हूं, मुझे रेट का वैसे ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है। 1 rupee 20 paisa, 85 paisa and 65 paisa. 2 hours were lost. It means, wait, 2 hours were lost. It means actually they are paid for 40 hours. But if you talk about actual time worked,
they worked for 38 hours. कहते हैं 2 hours, 2 hours were lost due to abnormal idle time. It means every laborer ended up working for how many hours? 38 hours. It means my actual mix is gonna be based on, पहले भी एक question last class में किया था, आज भी वही कर रहा हूं, just to develop the concept so that you remember, whenever there is a difference between actual time work and actual time paid, the actual mix has to be based on actual time work. अब question finish. मेन काम की बात हो चुकी है बेटा, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं. एक्चुअल आउटपुट है 960, तो ठीक है फटाफट से हम कैलकुलेट करते हैं एसटी हैश. एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम. एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम 384, 192. Similarly, let's calculate RSM. RSM will be based on actual time worked wala actual mix, which is 760. Humne iska total kyun nahi kiya? Because hamara actual mix has to be based on actual time worked. Standard mix into standard time. अब जब हमने RSM निकाला, that comes out to, सर आप देख कहाँ रहे हो बेटा, मैंने कैलकुलेशन रेडी रखी हुई है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि क्लास में वो कैलकुलेशन करने में मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं. मेरा RSM भी निकल गया, मेरा RSM भी निकल गया, मेरा ST हैश भी निकल गया. अब तो क्या कहते हैं ना, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम. लेबर क्या क्या निकालना है बच्चा पार्टी इस पर? सर लेबर वेरिएंसेस मतलब सारे निकालने. अब आपको इंडिविजुअली प्रेजेंट करना तो आ गया है, तो जस्ट टू सेव टाइम कैन आई जस्ट राइट द कैलकुलेशन टेबल में ताकि मेरी कैलकुलेशन खत्म हो जाए और आज एक वेरिफिकेशन दोबारा से बता दें. नाउ क्वेश्चन 20 में SR into ATP. ATP और ये कितना RSM? नहीं सर, ATW. थैंक यू बेटा, RSM तो यहां आता है ST hash. मेरा लेबर स्टैंडर्ड रेट का 1 rupees 20 paisa, 85 paisa, 80 paisa एंड 70. मेरा एसटी हैश था, मेरा एसटी हैश था 384 392 एंड 192. अगर मैं इनका टोटल करूं फटाफट से, विच कम्स आउट टू 480. यहां देख देते हैं, 480 इंडिविजुअली आप घर पे निकालते रहोगे, मैं टोटल में निकाल देता हूं. 153 rupees 60 paisa and 134 rupees 40 paisa, and the total becomes 768. Now 1 rupees 25 paisa, 80 paisa, 70 paisa, and my RSM was 380, 190, 190, which comes out to 475, 152, and 130. So total is 760. So my yield variance in total becomes 8 favorable. Then comes SR into ATW. ATW हम calculate कर चुके हैं,
which was 494, 152, and 114. Now 1.25 into 494, मेरे पास आ गया 617 rupees 50 paisa, और ये मेरे पास आ गया 121 rupees 60 paisa, और ये मेरे पास आ गया 179 rupees 80 paisa, and the grand total becomes 818 rupees 90 paisa. So my mixed variance becomes, my mixed variance, बस ये calculation मुझे करना पड़ेगा, 760 minus 8.9 is 58 rupees 90 paisa adverse, which is mixed variance. अब आ जाते हैं yield mix Jemmy Rec, 1 rupees 25 paisa, 80 पैसा, 70 पैसा into actual time work की जगह actual time paid, 520, 160 and 120. 520, 160 and 120. तो 520 से जब हमने multiply किया actual rate into actual time, ये हमने कहीं पे निकाला, निकाला which is 120, 80 or 70, और ये हमारे पास आ गया 650 rupees, 128 rupees and 84 rupees, and total बन गया 862 rupees. तो हमारा yield mix, और ये हमारा आ गया idle variance. Idle variance कितना आ गया बच्चों, 862 minus 818.9, 43 rupees 10 paisa adverse. Then AR into ATP, which is 1 rupees 20 paisa, 85 paisa, 70 paisa into actual time is 120. मैं अभी कई बार मस्ती कर लेता हूँ. So this becomes 624, 136 and 78. तो मैंने इसका टोटल किया, आ गया 838. So this becomes rate variance, which is 24 favorable. Now आराम से चलना बेटा. A B C D E. जब मैं A minus C करूँगा, this is known as total efficiency variance. So A minus C will be 818.9 minus 768, 50 rupees 90 paisa adverse. जब मैं A minus B करूंगा, that is called total efficiency variance. There is a difference. When you say based on time work, it is total नहीं efficiency variance, and when it is based on actual time paid, it is total efficiency variance. So 768 minus 862 is 94 adverse. And this becomes your cost variance. Cost variance becomes 768 minus 838. 768 minus 838, 70. Adverse. Now labor cost variance is equal to labor, सुनते जाना बेटा जल्दी मत करना, labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor total efficiency variance. Labor rate variance plus total efficiency variance, which is labor rate variance कितना आया हमारे पास, सर आइडल के बाद ये रेट था, रेट वेरिएंस था 24 फेवरेबल, और टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस था हमारे पास 94 एडवर्स. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल वेरिएंस. भाई ये उसी का तो टोटल है, दिस इज द सम टोटल ऑफ दीज टू. सो आप देखो क्रॉस चेक करके बता रहा हूं जो मुझे बताना जरूरी था.
Now, labor rate variance, labor efficiency, variance, which is 50 rupees 90 paisa adverse, and labor idle variance, 43 rupees 10 paisa adverse. Answer still remains same. And labor efficiency variance is equal to labor yield variance plus labor mix variance. Yield variance hamare paas kitna hai? 8 favorable. Mix variance hamare paas kitna hai? 58.9 adverse. To hamara efficiency variance aa gaya 50.90, jo humne verify kar liya. To bachon, is question through wapis humne pichli class wala hi concept revise kiya. Aaj ki class basically it's a repetitive of the last question we did in the last class, but mujhe bas yahi ek choti si baat aur batani thi ki labor cost variance ko jab aapka actual time worked और एक्चुअल टाइम पेड में डिफरेंस होता है तो आप उसको इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो फार बच्चा पार्टी ऑल राइट. तो कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन? यस, आज एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट का हम दी एंड कर दें और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास में ओवरहेड वेरियंसेस पे मूव कर जाए. मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जहां पे सेम क्वेश्चन में हमें मटेरियल वेरिएंस भी निकालना है और लेबर वेरिएंस भी निकालना है. नाउ भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन 21, पक्का आज का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 21 करेंगे उसी फॉर्मेट में ताकि जल्दी जल्दी हो जाए. नाउ अगेन सी 30 मैन 15 फीमेल and 10 youth. Standard rate 80, 60, 40. Same type का है. मुझे समझाने में टाइम भी नहीं लगेगा. मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं. And a normal working week is 40 hours. तो सब बच्चों को पता है 30 × 40, 15 and 10 into 40. Male, female and youth. पिछली बार मेन वुमेन और बॉयज था. एंड द सम टोटल ऑफ इट बिकम्स स्टैंडर्ड मिक्स. मुझे टाइम ही नहीं लगेगा बेटा आपको करने में. एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट दिया हुआ है 70 रुपीज, 65 रुपीज एंड 30 रुपीज. और एक्चुअल टाइम वर्क और पेड जरा हम निकाल के चलते हैं. एक्चुअल टाइम पेड की अगर हम बात करें तो कैन आई से 40, 10 और 5. फैक्ट्री तो 40 घंटे चलती है ना. हां जी सर. बट क्वेश्चन सेज 4 hours वर लॉस्ट due to standard abnormal idle time. It means every worker in the factory is working for 36 hours. So this actual time worked will become my actual mix. Bas, ab to question khatam. ST hash, बड़ा आसान है. AO upon SO into ST. Actual output ये दे रखा 1600. Standard output कहाँ गया? ये दे रखा. तो 1600 upon 2000 into 1200 into 600 and into 400. मैं फटाफट से अपनी calculation की cheating मार लूँ तो this is 960, 480 and 320. By this I meant, अगर कोई बच्चा confused हो रहा है बेटा, मतलब वो common factor है, इसीलिए मैं बार बार नहीं लिखता. अब बचा RSI. Actual mix based on actual time worked. Standard mix into standard time.
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम बताते हैं, 1080, 540, 360। सो फार सो गुड। यस सर, अब तो क्वेश्चन फिनिश। तो मैंने इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया समझाने में, क्योंकि सेम चीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी की, पिछली क्लास में भी की, और इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, सो दैट आपको सेम टाइप के पैटर्न को सॉल्व करना इजी लगे। बस काम की एक ही बात सीखी, वेन एवर वी हैव एक्चुअल टाइम वर्क एंड एक्चुअल टाइम पेड, द रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स नीड्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क। गॉड ब्लेस यू। किसी ने छीका तो मुझे बोलना पड़ेगा गॉड ब्लेस यू। 80, 60, 40। एस टी हैश सर कितना था? ये रहा बेटा 964 83 20। 964 83 20। अब मैं सिर्फ टोटल टोटल लिख रहा हूँ, वो इंडिविजुअली आप घर पे खुद लिख लोगे, आपको पता है कैसे करते हैं। सो 80 60 40, इसका सम टोटल आ गया 1,18,400। एक बच्चा कहता है लिख दो ना सर। अच्छा ये ले बाबा, ये ले 76,800। जान मत खा। 28,800 इंडिविजुअली, लेकिन घर पे निकालो ना, मून निकालो। देन एस आर इंटू आर एस एम, 80 60 40 इंटू आर एस एम हमारे पास कितना आया था? 1,080, 540 और 360। 1,080, 540 और 360। सर लिख दो ना। अरे लिख रहा है 86,400, 32,400। आज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहले से कैलकुलेशन की हुई है, ताकि मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरा यील्ड वेरिएंस आ गया कितना? 18 और 14 कितना आ गया? अगर हम सॉल्व करें, कर लेते हैं अभी बाद में। एस आर इंटू ATW, 80 60 40, और हमारा एक्चुअल टाइम वर्क था 1,440, 360 और 180, विच इज 115,200, 21,600 एंड 7,200। सो टोटल बिकम्स 1,44,000। दिस विल बी यील्ड वेरिएंस, दिस विल बी मिक्स्ड वेरिएंस। नाउ एस आर इंटू ATP, 80 60 40। एक्चुअल टाइम पेड, एक्चुअल टाइम पेड था 1,600, 400 और 200। 1,600, 400 और 200। सो टोटल आ गया एस आर इंटू ATP का 1,60,000। यील्ड मिक्स आइडल, आइडल तो निकाल ही देता हूँ, 16,000 एडवर्स, 10,800 एडवर्स, मिक्स भी निकाल देता हूँ, 18 और 14, 32, 14,800, 33, 33, 33, ये भी निकाल दिया। अब बचा रेट वेरिएंस, AR इंटू ATP, विच इज 70। AR इंटू ATP हमारे पास कितना है भाइयों मित्रों? 70,65,000। और एक्चुअल टाइम पेड था 1,600, 400 और 200, 6,000। ये कितना आ गया? 26,000। और 16 70 112, 112, 138, 1,44,000। तो ये हमारे पास आ गया 16,000 फेवरेबल। क्या आ गया? रेट वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस अगर हम निकालें तो इट विल बी 118,400 ए माइनस सी, 25,600 एडवर्स। अगर हम टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस निकालें, इज 41,600 एडवर्स। दिस इज एफिशिएंसी वेरिएंस
and this is total efficiency variance, and this is cost variance, which is एक लाख चौवालीस एक अठारह चार सौ पच्चीस छह सौ एडवर्स. कॉस्ट इज इक्वल टू रेट प्लस टोटल एफिशिएंसी. आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही एक गड़बड़ हो रहा है यार. एक बार चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है बेटा. कॉस्ट वेरियंस 25,600 एडवर्स, रेट वेरियंस 16,000 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरियंस 41,600 एडवर्स, मिक्स वेरियंस 10,800 एडवर्स एंड आइडल वेरियंस 16,000 एडवर्स. इन्होंने यील्ड वेरियंस निकाला ही नहीं. कोई नहीं, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना. हाँ सब कुछ ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, हो जाता है कभी कभी. तो प्लीज आज मैं वो गलती नहीं करूंगा. मैं अपने बच्चों के साथ पहले वो दो क्वेश्चन शेयर करूंगा. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, और दोनों क्वेश्चन का सीएफ और कॉमन फैक्टर क्या था कि जब भी एक्चुअल टाइम वर्क और एक्चुअल टाइम पेड में डिफरेंस होता है यू हैव टू टेक एक्चुअल टाइम वर्क. सो फार सो गुड, लॉक कर दो, कर दिया. तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं. बट फिर से आपके साथ आंसर शेयर नहीं किया, पहले हम आंसर जरूर शेयर कर देंगे. So all about question number 20, जिसके थ्रू हमने एक छोटी सी बात सीखी, क्या कि लेबर कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरियंस प्लस लेबर टोटल एफिशिएंसी वेरियंस, या फिर लेबर रेट वेरियंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरियंस प्लस लेबर आइडल वेरियंस. एंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 21 का आंसर. और एक ही छोटी सी बात दोबारा बोली, इफ देर आर 100 वर्कर्स और 40 वर्कर्स और एन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड फैक्ट्री वर्क्स फॉर से 40 आवर्स, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द वर्कर्स विद द 40 आवर्स टू गेट द टोटल आवर्स वर्क. एंड लास्ट क्लास की एक बात याद करो, वो कॉन्टिन्यूएशन में था सेंटेंस जिसके बेसिस पे ये इंटरप्रिटेशन आया था कि 100 लेबर जब मिलके एक घंटा काम करते हैं तो 10 यूनिट आती है. तो वो एक घंटा एक लेबर का नहीं था, वो ऑल द लेबरर्स वर्किंग टुगेदर. मैं तुम्हारा. बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. शुभ रात्रि, शब खैर, मिलेंगे सेम. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट. And let the people know that you have got a full solution on the YouTube channel. कोई doubts हैं, आपको मैंने अपना number share कर दिया था, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं. Bye bye, bye bye, and bye.